We are getting to know that the officials, the police officials, are briefing the media on a Gurugram incident. Let's take a look. फैली की नूह में इस तरह का कोई हादसा हुआ है, तो दोनों जो कम्युनिटीज़, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे गैदर हुए और उनमें जो एक आपसी तनाव का माहौल देखने को मिला, हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वहाँ पे समय रहते पहुँचे और उसमें जो मेजर डैमेज थी उसको बचाया गया। फिर भी दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया गया और कुछ दुकानों को भी जलाया गया और कुछ व्हीकल्स को भी टॉर्च किया गया, लेकिन शाम को 8, 8:30, 9 बजे तक आते आते सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया गया था। और जो सोहना की घटना है उसमें कुल 5 व्हीकल जो हैं वो जले हैं और 3 दुकानें जलने की बात सामने आई है। रात को हमने जैसे ही सिचुएशन पे कंट्रोल हुआ तो एक तो फायर टेंडर से सारे के सारी शॉप्स और व्हीकल्स जो जली हुई थी उनकी आग बुझाई गई और जितने भी ऐसे व्हीकल्स सड़क पे लाइन थे वो रात रात भर में क्रेन्स और हाइड्रा की हेल्प से उनको एक तरफ ले जाया गया। उनकी पहचान शिनाख्त कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास भेजी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की गई है कि जिन भी लोगों की संपत्ति का, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार मुआवजा देगी। तो उस बारे में भी सरकार के पास हमने रिपोर्ट भेजने का काम कर रहे हैं, रिपोर्ट बनाई जा रही है। पैरेलली कल हमने सेक्शन 144 भी लगा दी थी क्योंकि जैसे ही नूह के इंसिडेंट का पता चला तो हमें अंदेशा था कि गुरुग्राम में भी इसका स्पिल ओवर आ सकता है और इसको देखते हुए 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग जो कोई अनलॉफुल कॉज के लिए हो और वेपन्स के साथ हो उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। साथ ही चूँकि काफ़ी सारे इंटरनेट के ज़रिए इस तरह के रूमर्स और इस तरह के मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे तो हमने सोहना में, मानेसर में और पटौदी में 3 कस्बों में इंटरनेट सुविधाएं भी बंद कर दी हैं और वो अगले ऑर्डर्स तक बंद रहेंगी। एक बार सिचुएशन जब इम्प्रूव होंगी तो उनको फर्दर रिस्टोर किया जाएगा। कल रात को एक और इंसिडेंट लगभग 12:30 बजे के पास रात को हुआ। सेक्टर 57 में गुरुग्राम में एक मस्जिद में के एक हिस्से में आग लगाई गई। हालांकि फायर टेंडर्स के जरिए वो आग जो है वो बुझा ली गई थी और बहुत कोई मेजर डैमेज उसमें नहीं हुआ। जो मस्जिद थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी लेकिन वहाँ पे जो कुछ अनरूली एलिमेंट्स ने जब हमला किया और उनके पास वेपन्स भी थे तो वहाँ पे मस्जिद में जो एक इंडिविजुअल जो थे उनको फायर इंसिडेंट से, उनकी फायरिंग से, उनकी बुलेट इंजरी से मौत हुई है, मृत्यु हुई है। और जो दूसरे इंडिविजुअल थे वहाँ पे उनकी आग लगने से उनकी जो उनको जो चोटें आई, इंजरीज हुई, उसको लेकर के उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की पहचान की गई है और 5 लोगों को राउंडअप भी किया गया है, बाकी लोगों के पर भी दबिश दी जा रही है। और वहाँ पे सिचुएशन, मैंने आज अभी दोपहर में ही वो साइट विजिट की है, सिचुएशन अभी पीसफुल है और नॉर्मल है। सोहना में आज सुबह फिर हमने जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, उनके जो मुख्य लोग हैं, मेन जो उनके लीडर्स हैं, उनके साथ एक बैठक की, पीस कमेटी की मीटिंग की। उसमें हमारे दोनों पक्षों के लोगों के साथ साथ वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे और दोनों पक्षों से हमने शांति की अपील की है और सब ने सहमति जताई कि वो प्रशासन का इसमें सहयोग करेंगे और इस तरह का कोई भी अनरूली एलिमेंट चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर कोई ऐसे प्रयास करता है तो उसकी सूचना हमें देंगे। सोहना में काफ़ी हद तक जो नॉर्मल सी रिस्टोर हो गई है और मार्केट वगैरह भी वहाँ पे खोल दिए गए हैं। हमने एक फ्लैग मार्च भी वहाँ पे किया और वहाँ जो है यातायात वगैरह और बाकी चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। कुछ कुछ सोशल मीडिया सर्कल्स पे रूमर्स और फेक मैसेजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जो एक तो बहुत सारी जो जितनी भी इसमें डैमेज हुई है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या कुछ लोग अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से बताते हुए क्लेम कर रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को कि भई आप बड़ी संख्या में एकत्रित हों, हमें बदला लेना है। इस तरीके की खबरें भी हमारे पास आई हैं, तो जो हमारा आईटी सेल है उसको उस पर नज़र रखे हुए और जो ऐसे सब एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाएंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि अफवाहों से बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि ऐसी सिचुएशन में, पर्टिकुलरली जब कम्युनल टेंशंस होती हैं, तो अफवाहें बड़ा एक रोल अदा करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अफवाहें, गलत अफवाहें चलाई जाएँ तो उससे हिंसा जो है, वायलेंस है, वो और ज़्यादा भड़क सकती है।
इसके अलावा हमारी आगे कोशिश ये भी रहेगी कि जो शहर के ज़िले के बाकी हिस्सों में, चाहे वो गुरुग्राम है, पटौदी है, वहाँ पे भी पीस कमेटीज़ को एक्टिवेट करके दोनों समुदाय की बैठक कराई जाएगी, ताकि लोगों में एक सौहार्द का माहौल बने और शांति स्थापित हो। कुछ कुछ जगह अभी भी आज दिन में मोबिलाइजेशन का, लोग इकट्ठे होने का जो है खबर मिली है, लेकिन हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं वो वहाँ जा कर के और सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हैं। कुछ फेक न्यूज़ ये भी चलने में आई कि कहीं प्रशासन ने, सरकार ने किसी को कहीं से पलायन करने के लिए कहा है या कहीं से जाने के लिए कहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के कोई डायरेक्शंस नहीं है। मैं आप सभी मीडिया साथियों के ज़रिए लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अपने घरों में रहें, ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलें, और इस तरह की अफवाह से बिल्कुल विश्वास ना करें कि आपको कहीं जाने के लिए कहा जा रहा हो। प्रशासन जो है वो इसमें पूरा मुस्तैद है, पूरी स्थिति पे नज़र बनी हुई है और सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है। जी, इसमें आप किसी मीडिया साथी को देखिए, गुरुग्राम में अभी जो जितनी भी हमारी गुरुग्राम पुलिस की नफरी है वो सारी की सारे पुलिस पर्सनल यहाँ डिप्लॉयड हैं। बाहर से हमें फोर्स अभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हरियाणा सरकार के पास सफिशियंट संख्या में पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेज जो है वो आरएएफ वगैरह पहुंच चुकी हैं और वो नूह में डिप्लॉयड हैं। जैसे ही हमें इनकेस अगर कहीं आवश्यकता महसूस होती है तो हम उनको बुलाएंगे। जहाँ तक इंटरनेट की बात है, गुरुग्राम में इस तरह की सिचुएशन अभी हमारे नहीं संज्ञान में आई है, और चूँकि इंटरनेट बंद करने से कई बारी लोगों के बिजनेस पे, काम पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि चूँकि सिचुएशन वैसे भी नॉर्मलाइज हो रही है तो उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस पर सिचुएशन को देख के ही डिसीजन लेंगे। देखिए, उसकी जो जांच, इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो नूह है, और नूह पुलिस के द्वारा, और वहाँ पे इनफैक्ट काफी सीनियर ऑफिसर्स भी सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और निश्चित रूप से जो जो लोग दोषी होंगे इसमें उनके खिलाफ एक्शन होगा। गुरुग्राम में हमारी कोशिश ये है कि चूँकि ये नूह का स्पिल ओवर है, तो हमारा प्रयास ये है कि कोई ऐसे रूमर्स नूह से या और कहीं से भी ना फैलें जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुरुग्राम में सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो, उसी पे हमारा प्रयास लिमिटेड है। बिल्कुल, उससे पहले हम सारी पीस कमेटीज़ की मीटिंग करेंगे, जो मुख्य मुख्य हिंदू संगठन है और जो मुस्लिम संगठन है, उनकी बैठक करके और ये इंश्योर कराया जाएगा कि वो हर बार की भांति, जैसे गुरुग्राम में शुक्रवार की जो नमाज है वो शांति प्रिय तरीके से पढ़ी जाती है, इस बार भी कहीं भी दिक्कत ना हो, और जहाँ जो जो कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, 3-4 जगह जहाँ पर नमाज होती है, वहाँ भी सफिशियंट मात्रा में पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, और जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी जो सुरक्षा के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। जी, आइडेंटिफिकेशन इसकी हो गई है, ये वहाँ मस्जिद में ही नमाज पढ़ाने वाले इमाम है, ऐसी बात सामने आई है, जिनको गोली लगी। और जो घायल है वो कौन है? आई थिंक वो उनके सहयोगी हैं, उनकी भी शिनाख्त हो गई है, वो उनके सहयोगी हैं। मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं? इसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। मैं आप... Alright, that was the Deputy Commissioner of Gurgaon giving us details of the situation of the violence that took place in Nuh yesterday. On that note, slipping into a short break, we will come right back.